आपके शरीर में बहुत सारी कमजोरी, वीकनेस है, इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, इस कारण से निद्रा का प्रकोप बढ़ जाता है। क्योंकि ज़्यादा जो निद्रा है वो बुजुर्गों को आती है। बुजुर्गों को विज्ञान भी 10 घंटे तक सोने की आज्ञा करता है स्वस्थ रहने के लिए। तो 29 साल तो आदमी को पावरफुल 3 घंटे भी नींद बहुत है, 4 घंटे की, 5 घंटे की लास्ट नींद बहुत है। 30 से 40 साल की उम्र तक आदमी को 5-6 घंटे ही सोना चाहिए अधिकतम, और कम से कम 3 घंटे सो जाना चाहिए। उतने से आदमी ताकतवर बलवान बना रहता है और सारी जो वायरस है वो डिलीट हो जाते हैं। तो 29 साल में आपको नींद अधिक आती है और हर समय आती ही रहती है, आप मजबूरी में जागते हैं, तो उसका रीजन है आलस्य, प्रमाद। तो प्रमाद से आपको फिनिश होना है, प्रमाद को फिनिश करना है और आपको फ्रेश होना है। तो ये कैसे होगा? तो उसके लिए चाहिए कि आपको इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो मजबूत करना है, अपने रोग से लड़ने की जो क्षमता शरीर की है उसको पावरफुल करना है। तो आपको अपना सबसे पहले यूरिन टेस्ट करवाना है किसी डॉक्टर के पास जाकर, उसमें ये देखना है कि प्रोटीन तो नहीं जा रहा, यानी कि कोई चिकना पदार्थ शरीर का तो नहीं जा रहा है, या फिर आपका यूरिया मात्रा लेवल बढ़ा हुआ है। पेशाब के माध्यम से यूरिया जाता है, आपको नमक ज़्यादा जा रहा है शरीर से, लवण जा रहा है, तो शरीर में नमक की कमी होने से बहुत थकान आती है। प्रोटीन कम हो जाए शरीर में, माइनस हो जाए, तो बहुत ज़्यादा थकान आती है और नींद ही उसका साधन है। आदमी जब प्रोटीन रहित हो जाता है तो नींद से ही वो योग्य बनता है चलने फिरने के, अन्यथा फिर वो मरा हुआ ही रहता है। तो एक तो ये चेकअप आपको अवश्य करना चाहिए। दूसरा ये है कि आपका आहार कैसा है, आप क्या खाते पीते हैं। अंडा मांस खाते हैं तो नींद ज्यादा आएगी, और मैदे से बना हुआ बर्गर पिज्जा या इस चामुन वामुन खाते हैं तो भी नींद ज्यादा आएगी। तो आपको चाहिए कि आप अपने भोजन को परिवर्तन करें अगर इस तरह का है तो। अगर नहीं है तो फिर आपको इसके लिए हमारे पास जो उपाय है वो ये है कि आप ऐसा कीजिए कि एक आधा किलो मनुका खरीदिए, आधा किलो बादाम खरीदिए, और आधा किलो आप उसमें मूंग, आधा किलो आप उसमें चना, आधा किलो आप सोयाबीन, ये सारी वस्तु मिला लीजिए, और मिलाने के बाद में रात को 100 ग्राम मिक्स पानी में गला दीजिए, कच्ची कुलरी में, कच्ची मिट्टी के बर्तन में, और सुबह जब वो फूल जाएंगे, सुबह नहा धो के फ्रेश होके व्यायाम करके बैठ के इनको खाइए, और ऊपर से मूली, गाजर, ककड़ी, टमाटर का थोड़ा सलाद खाइए। दोपहर को पपीता, सेब खाइए, एक रोटी खाइए, छाछ लीजिए, शाम को भरपेट भोजन कीजिए। एक महीने में निद्रा शांत हो जाएगी, लेवल अच्छा हो जाएगा नींद का, प्रमाद का, हेमोग्लोबिन, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन और B12 ये सब आपके नॉर्मल होने लगेंगे ऐसा करने से। तो फिर आपका लेवल सिस्टम अच्छा होगा, सोने का सिस्टम अच्छा होगा, जागने का अच्छा होगा, शरीर का अच्छा होगा, प्रोटीन का अच्छा होगा, कमजोरी जो है वो धीरे धीरे खत्म होगी। ऐसा 3 महीने करने से आपका शरीर एकदम कमजोरी रहित हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य पूरी तरह उत्तम हो जाएगा। देखने में आप भले ही दुबले पतले दिखेंगे पर आप अंदर से बिल्कुल फ्रेश हनुमान हो जाएंगे ऐसा करने से। इसके अलावा भी और मार्ग हैं जो आपको शीघ्र प्रोटीन दे सकते हैं, जैसे उड़द की दाल ले लो 50 ग्राम, उसको गाय का एक घी चम्मच डालकर कढ़ाई में थोड़ा सेक लो, सेकने के बाद उसे पीस लो, या आटा बना लो उड़द की दाल का, पहले ही आटे को घी में सेक लो, उसमें 100 ग्राम दूध डाल करके उसका हलवा बना लो, रोज सुबह खाओ और दूध पियो एक गिलास। एक महीने में वजन बढ़ेगा, प्रोटीन बढ़ेगा, कैल्शियम बढ़ेगा, B12 बढ़ेगा, स्वास्थ्य एकदम जवान हो जाएगा और पूरी बॉडी रोगों से लड़ने के लिए मजबूत हो जाएगी। अगर वजन ज्यादा है तो ये नहीं करना, फिर सलाद और मैंने जो पहले कहा वो, वजन बढ़ाना है तो फिर आप ये भी ले सकते हैं। तो आपका वजन बढ़ेगा, स्वास्थ्य बढ़ेगा, चमक आएगी, बल बढ़ेगा, ऊर्जा चकाचक हो जाएगी। साथ में साबूदाने की मखाने की खीर खा सकते हैं, 200 ग्राम दूध में 25 ग्राम मखाने तोड़ के डाल लीजिए और खीर बना लीजिए, उबाल लीजिए चावल की तरह और उसका नाश्ता कीजिए सुबह सुबह रोज, आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा ऊर्जा में, रक्त में, हेमोग्लोबिन में, ताकत में, और जैसे ही शरीर के विटामिन प्रोटीन्स पूरे होंगे नींद खत्म हो जाएगी, लेवल पे आ जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, इच्छा अनुसार नींद आएगी। यही स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे इस कामना के साथ, और सभी के लिए नींद का प्रॉब्लम है, जवान युवाओं के लिए नींद बहुत आती है, बहुत सोते हैं लोग, तो वो सोने का कारण है उनकी इम्यूनिटी वीक है, आहार उल्टा पुल्टा है। तो आप अपने आहार को सही कीजिए, अपनी मानसिकता को अच्छी कीजिए, अच्छे विचार मोबाइल में देखिए, अच्छी टीवी पर दर्शन कीजिए, और कोई भी अच्छी विचार देने वाले संत महात्मा को श्रवण कीजिए, और धीरे धीरे अपने आप आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, बलवान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।